रविवार 18 मार्च से हिंदू धर्म के अनुसार आज साल का पहला दिन मनाया जाता है और आज ही संयोगवश नवरात्र का शुभारंभ भी हुआ है। इस मौके पर गोरखपुर के प्राचीन काली मंदिर जो कि गोलघर में स्थित है, वहां पर श्रद्धालुओं का मां के पैरों तले माथा टेकने के लिए तांता लगा रहा। यहां लोग सिर्फ महानगर से ही नहीं बल्कि दूर दराज इलाकों से भी मां काली के दर्शन करने के लिए नवरात्र के पहले दिन भक्ति भावना से ओत प्रोत होकर चले आए, जिससे जो बन पड़ा वो मां के चरणों में चढ़ावा चढ़ाने के लिए आतुर दिखा। इस मौके पर काली मंदिर के आसपास की दुकानें भी सज चुकी हैं, जहां से मां भक्त प्रसाद लेकर इन प्राचीन मंदिर में अपने प्रार्थना को प्रस्तुत करने चले आ रहे हैं। उधर कई सौ वर्षों से विख्यात मां तरकुलहा देवी के मंदिर पर भी हजारों श्रद्धालु नवरात्रि के समय मां के चरणों में शीश झुकाने चले आते हैं। वहीं चैत्र नवरात्र का अलग ही इसमें महात्म्य है। यहां चैत्र नवरात्र से लेकर सवा माह तक मेले का आयोजन किया जाता है। लोगों की भीड़ आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए उमड़ी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुछ श्रद्धालुओं ने अपनी भावनाओं को कुछ इस तरह से व्यक्त किया। पहला दिन है। आप बताइए बेटा, आप क्या आए हैं? मैं मम्मी के साथ दर्शन करने आया हूँ। नवरात्र के समय? हाँ। मंदिर का आप बताइए। बहुत ज्यादा मान्यता है मंदिर की। जब से हम पैदा हुए हैं, हम खुद ये जान रहे हैं कि यहाँ के लोग इन माता को बहुत ज्यादा मानते हैं, उस वजह से हम लोग भी बहुत ज्यादा मानते हैं। मनोकामना पूरी करते हैं। नवरात्र का समय चल रहा है और इस वक्त से भी इसकी मान्यता और ज्यादा बढ़ गई है।